ये सीक्रेट न्यूज। जी सर, सीक्रेट न्यूज। अस्सलाम वालेकुम। हम जो कब्जा माफिया और टाउट माफिया ना, इसको क्लब से फारग कर, हम इसे जीतेंगे, तो हमारा वोट इंटैक्ट है। तो राय स्नैन साहब के साथ मौजूद हैं इस वक्त। ये सीक्रेट न्यूज। जी सर, सीक्रेट न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, ये प्रोग्रेसिव फ्रंट्स के प्रेसिडेंट बाबर डोगर साहब हमारे साथ हैं और प्रेस क्लब के इलेक्शन चल रहे हैं, तो यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करना चाह रहे हैं। तो जी बाबर डोगर साहब, बताइएगा जरा क्या सुनते हैं। सर जी, एक गेट टुगेदर होता है ये इलेक्शन, लेकिन बाल इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जब इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर मुकाबला भी होता है, तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हमें, चूँकि हमारा एक अलायंस है प्रोग्रेसिव का फ्रेंड्स का, जो एक बड़ा मेजर ग्रुप है, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसे जीतेंगे। मतलब आप पूरी उम्मीद है? जी बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद जी। ये अब्दुल मजीद साजिद साहब हमारे साथ हैं, तो इनसे बात करते हैं। बताइएगा साजिद साहब, क्या सूरत हाल है? पूरी उम्मीद है आप? अच्छी सूरत हाल है। हम प्रोग्रेसिव और फ्रेंड्स का बड़ा मजबूत इत्तेहाद है। पिछले साल जो हम अलग अलग लड़े हैं तो 1200 हमारा वोट था, और ये जो बाकी ग्रुप्स बने हैं ये उस वक्त भी हमारे साथ नहीं थे, तो हमारा वोट इंटैक्ट है। और चूंकि हम लोगों ने पहले सर्व किया हुआ है, मैं भी सेक्रेटरी रहा हूँ, डोगर साहब भी सेक्रेटरी रहे हैं, और हमें चीज़ों का पता भी है कि कहाँ से कौन कौन सी मसाइल हैं और उनको हल कैसे करना है। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स के काजी तारिक साहब हमारे साथ हैं, तो प्रेस क्लब के इंतखाबात के हवाले से हम इनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है और ये कितने पुरुमीद हैं इसमें अपनी जीत के हवाले से। देखिए, इस बार जो है ना, वोटर ने फैसला किया है कि कम से कम जो कब्जा माफिया और टाउट माफिया है ना, इसको क्लब से फारग करना है, और इसके लिए दो बड़े ग्रुप जो थे, जो बड़ी पॉजिटिव अपनी शोहरत रखते थे, उन्होंने क्लब को एक मिसाली बावकार क्लब बनाने के लिए आपस में अलायंस किया है, प्रोग्रेसिव और फ्रेंड्स का। तो आप देख ही चुके हैं मेरे ख्याल में, इससे पहले मेरे यानी कहने की बात ही नहीं कि जो रिज़ल्ट है वो सर। नाजरीन, हम ये डेमोक्रेट्स ग्रुप जो प्रेस क्लब के इंतखाबात हो रहे हैं, तो राय स्नैन साहब के साथ मौजूद हैं इस वक्त, तो इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और ये अपनी जीत के हवाले से किस कदर पुरुमीद है। जी, जीत और हार तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। हम लोगों ने के ज़िम्मे जो काम था, एफर्ट करना, लोगों से रابطہ करना, हमने वो किया है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कलम मजदूर इस वक्त बहुत ज़्यादा अवेयर है, और कलम मजदूर अपने हक में वोट देगा, और अगर कलम मजदूर अपने हक में वोट देता है तो कलम मजदूरों की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेट्स है, और इंशाल्लाह डेमोक्रेट्स की जीत होगी। तो क्या आप करना चाहेंगे जीतने के बाद कलम मजदूरों के लिए? बहुत कुछ करने वाला है जी। इंश्योरेंस के मामलात हैं, एफ ब्लॉक है, फेज़ टू के मामलात हैं, बेशुमार ऐसे मामलात हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तनख्वाहें कलम मजदूरों की नहीं मिलती हैं अदारों में जी, इंपॉर्टेंट मैटर है ना। आप अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि दूसरे पैनल के अंदर जो लोग भी हैं वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूनियंस का बेड़ा कर रखी है, तो इंशाल्लाह ताला हम आएंगे। हमारा तो शुरू से ही ये मुतालबा था कि प्रेस क्लब को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए, मालकान की पॉकेट नहीं बनना चाहिए, और आप देख लें हमारे मुखालिफ जो भी उम्मीदवार हैं, एक सियासी जमात का कैंडिडेट है और दूसरा एक अदारे का कैंडिडेट है, तो कलम मजदूरों की हकीकी आवाज़ तो हम ही है। बहुत शुक्रिया सर। स्नैन साहब के साथ हम मौजूद हैं इलेक्शन में, ये आप देख रहे हैं गहमा गहमी इंतखाब की, प्रेस क्लब का इलेक्शन चल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, तो इस हवाले से हम फयाज शाह साहब से बात करते हैं कि वो किस कदर पुरुमीद हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया आपने खिदमत का मौका दिया। देखिए, आज से तकरीबन 15-20 साल से इलेक्शन तो खैर चलते ही आ रहे हैं, 11 साल अरशद अंसारी प्रेस क्लब का मेम्बर रहा है, यानी प्रेसिडेंट रहा है। उसके बाद आपने देखा है कि सहाफ़ी कॉलोनी में कितने जुल्म ज़्यादतियाँ, और दो दो तीन तीन चार चार प्लॉट एक ही घर को गए, एक चेहरा देख के दो चेहरे देख के अब लोग भी थक चुके हैं कि नया चेहरा सामने आना चाहिए। इसलिए रोज़र में पाकिस्तान से मियां हारून रशीद साहब जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं और इनके जनरल सेक्रेटरी हैं राय सरैन से, साबिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब जनाब मियां हारून रशीद साहब का ये पहला अपना इलेक्शन है, अल्लाह ताला कामयाब करे। उसके लिए ना मियां साहब ने काफ़ी स्ट्रगल की है कि जनाब पहले चेहरे जो हैं एक ही जगह पर स्टेप पर जो लोग चलते थे, अब उनको बेनकाब करके जिन लोगों के जो प्लॉट के जो हक उनको जी सर सीक्रेट न्यूज़।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ प्रेस क्लब में मौजूद हैं जहाँ इलेक्शन चल रहा है प्रेस क्लब का। ये 2022 प्रेस क्लब लाहौर का इलेक्शन चल रहा है, हम यहाँ पे मौजूद हैं। जावेद फारूकी साहब हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट पैनल के प्रेसिडेंट हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है और ये अपने बारे में कितने पुरुमीद हैं। जी देखिए, मैं तो अपने बारे में पुरुमीद हूँ ही और अल्लाह का करम है। अपने पैनल के बारे में बिल्कुल बहुत पुरुमीद हूँ और उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये है कि ये हमारा जो जर्नलिस्ट पैनल है, जर्नलिस्ट ग्रुप है, ये इसकी बड़ी एक तवील हिस्ट्री है और अब भी ये चौथा साल है जब हम दोबारा आवाम के सामने अपने वोटर्स के सामने आए हैं और पिछले 3 साल से लाहौर के जो सहाफ़ी हैं वो हमें मैंडेट दे रहे हैं, हमें मुंतखब करते आ रहे हैं। जी जी, तो इसकी क्या वजह है कि वो हर बार जर्नलिस्ट ग्रुप को मुंतखब करते हैं? उसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि परफॉर्मेंस है। देखिए, ये कोई एक ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है कि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं जी, बिल्कुल सहाफ़ी हैं जो शऊर फैलाते हैं, जो आपको खबरें, आवाम को खबरें देते हैं।